ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं। पाँच साल हो गए नहाते नहाते, और मैं इलाहाबाद में भी नहाने गई थी, और मैं यहाँ पे भी 11 घाट नहाई। इलाहाबाद में मैंने 11 घाट नहाए। तो क्या नाम है आपका? सावन है भाई। सावन आया तो आप माघ के महीने में क्यों आए, सावन के महीने में क्यों नहीं आए भाई जी? आज अगर क्या जी आए आओ यहाँ पे और स्नान करके जाओ। और क्या कावड़ को राउंड करते हुए 111वीं कावड़ है मेरे। हमारा चार धाम का चारों हो गया है, चारों को हो गया है। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। हरिद्वार धार्मिक स्थल छे, अहीं एक बार आवुं जोईए। हमणा कुंभ मेळो चाले छे तो एनो लाभ लेवो जोईए बधाने। क्या दोस्तों, आज है हरिद्वार कुंभ मेले का चौथा प्रमुख स्नान तिथि। आज माघ पूर्णिमा फरवरी 27 और अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 5:30। तो आज का वीडियो, आज का व्लॉग जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज हम सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और देखते हैं सुबह सुबह कैसी लगती है हल्की पौड़ी, गंगा मैया का प्रवाह कैसा है और जल की सिचुएशन कैसी है अभी। और जो लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ से स्नान करने आ रहे हैं, हर बार की तरह हम उनसे एक्सपीरियंस साझा करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कर रहे हैं उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। लाइक दबा दें इस वीडियो के लिए और चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गंगा घाट की तरफ चलते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि वो जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो भाई कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आया हूँ मैं। तो आप कब पहुँचे हरिद्वार? सुबह चार बजे। हाँ जी। तो जैसे आप यहाँ पर आए, कोविड का टेस्ट करा कर आए थे आप? हाँ जी, मैं कोविड का टेस्ट करा कर आया था। तो उसके बाद यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह हुई? नहीं, अभी तो फिलहाल चेकिंग नहीं चल रही है। कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं आप? वाया बस आए हैं। तो बस स्टेशन पे या कहीं पे भी अर्की पौड़ी पे घुसने से पहले कोई चेकिंग वगैरह? नहीं, अभी कोई चेकिंग नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है, पर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो टेस्ट करा कर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग तो नहीं चल रही सुबह सुबह का टाइम है, पर इन्होंने सिक्योरिटी चेक वगैरह चल रहा है। हर बार हम इसी गेट से गुजरते हैं पर अभी यहाँ पर कोई भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं है। शायद वो स्टाफ नहीं आया क्योंकि बहुत सुबह हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कैसा है और हवा देख सकते हैं कैसी चल रही है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, मैं थोड़ा पहले 5 बजे करीब स्टार्ट करने वाला था व्लॉग, पर अभी यहाँ पर बारिश की वजह से नहीं कर पाया। तो कुछ और श्रद्धालु जुड़ गए हैं। कहाँ से आए भैया आप? जनपद मुरादाबाद से आए, बुद्धि विहार। तो कैसा आपका स्नान का एक्सपीरियंस? माँ गंगा महारानी के पावन जलों में जो है नहा के हमें बहुत अच्छा लगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ की बीजेपी सरकार है उसने कुंभ के मेले के लिए बहुत सारे पुलों का नए निर्माण किया है, और इसमें जो है बहुत सारे लोग नहा के स्नान करके बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत खुश महसूस। तो उम्मीद करते हैं आपकी ये खुशनुमा स्माइल बनी रहे। बहुत भीड़ है आज यहाँ, लगभग बहुत लोगों ने स्नान किया है, और सुबह सुबह का टाइम है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। हम भी जो है आए थे मुरादाबाद से, तो कोई परेशानी दिक्कत रास्ते में किसी प्रकार की नहीं पड़ी। यहाँ 3:30 बजे हम हरिद्वार में एंट्री कर दी थी, कोई ट्रैफिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, कोई चेकिंग थी ना कुछ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो भी हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु जुड़े, कहाँ से आए हैं आप लोग? विधानसभा 31 चंदौसी से आए हैं हम। अच्छा, जनपद तो संभल में पड़ता है, मुरादाबाद मंडल है। बहुत ही अच्छा, इन्होंने एड्रेस बता दिया अपना। तो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं आप? कार से? हाँ, हम अपनी कार से आए हैं। तो जैसे आप कार से आए सर, तो यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह हुई किसी चीज़ के लिए? हाँ, चेकिंग हुई थी, सीट बेल्ट चेक की गई थी, मास्क चेक किए गए थे, और गाड़ी की चेकिंग हुई थी। अच्छा, तो गाड़ी की कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट वगैरह वो सब कुछ नहीं चेक हुई? वो उन्होंने देखा था कि टेम्परेचर लेकर कोई बीमारी उमार तो नहीं, कोई खांसी जुकाम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी, अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा।
करीबन कितना टाइम लगा आपको चेकिंग वगैरह में? हमें 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं चेकिंग वगैरह हुई, उनको छोड़ दिया गया। और ये कितने बजे आया हरिद्वार? हम 3:17 पे हरिद्वार आए थे। इन्होंने एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया। स्नान कर लिया आपने? हाँ, हमने स्नान कर लिया। तो सर आप बताइए कैसा रहा आपका स्नान? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही पवित्र जगह है गंगा हर की पेड़ी। तो अभी जिन लोगों की क्वेरीज थी कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार में चल रही है नहीं चल रही है, उनको लेकर हम स्वयं जो लोग यहाँ पर कांवड़ उठा रहे हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हरियाणा जज्जर से आया हूँ। तो अभी आप यहाँ से कांवड़ उठा रहे हैं, तो अभी क्या रूट रहने वाला है आपका? मैं पहले तो हर की पेड़ी हरिद्वार से ब्रह्मकुंड से अमृत जल लेके नीलकंठ महादेव के लिए झोला कांवड़ लेके जा रहा हूँ। नीलकंठ महादेव को बेहोश हो गए थे, तो उसको ये दवा के रूप में समर्पित करूंगा। समर्पित, हाँ, जिससे शंकर भगवान होश में आएंगे और दोबारा से इस संसार को मंगलमय करेंगे। उसके बाद क्या कैसे कैसे रूप रहेगा? उसके बाद में हर की पैड़ी हरिद्वार से ब्रह्मकुंड से अमृत जल लेके झूला कावड़ में पैदल यात्रा बागेश्वर धाम के लिए, बागौत हरियाणा के लिए पैदल यात्रा करेंगे। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हरिद्वार से हरियाणा तक ये पैदल जाने वाले हैं। तो करीबन कितना किलोमीटर पड़ता है हरियाणा? 355 किलोमीटर पड़ता है। तो यही देख सकते हैं आप कितनी श्रद्धा भावना है लोगों के अंदर जो कांवड़ी हैं। यहाँ से 365 किलोमीटर ये पैदल जाने वाले हैं। तो सर आप अभी जैसे कांवड़ उठा रहे हैं इस माघ महीने की, तो आपने टोटल अभी तक पूरे अपने जीवन भर में कितनी कांवड़ उठा चुके हैं? 111वीं कांवड़ है ये 111वीं कांवड़ है। तो ये मतलब एक लाजवाब है, साल में 2 बार शिवरात्रि पड़ती है। क्या दोनों बार आप कांवड़? दोनों बार आता हूँ। तो यार इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो एक बार कांवड़ प्रारंभ करने से पहले जयकारा लगा देंगे। जयकारे वीर बजरंगी। अभी हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ गए। कहाँ से आए अंकल आप? बिना से एमपी मध्य प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश से आया। तो अंकल है जैसे एमपी उन 5 राज्यों में जिनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी जरूरी है, तो क्या आपकी ऐसी कोई चेकिंग हो रही है? नहीं नहीं, कोई चेकिंग नहीं हुई, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है सागर क्षेत्र, वहाँ पर लोग कम है, वहाँ पर मरीज कम है। और अभी जो रोग फैला हुआ है भोपाल और इंदौर साइड है वो, हाँ। हमारे क्षेत्र में कम है, इसलिए मेरी कोई भी टेस्ट नहीं हुई ना कोई यहाँ पर चेकिंग है। पर पूरे मध्य प्रदेश को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो मैं ये एक बार क्लियर कर दीजिए आपकी हरिद्वार नगर में जब आप आए तो बॉर्डर पर या किसी भी स्टेशन पर आपको रोका तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए कोई चेकिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ सभी लोग बोल रहे हैं कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। और जो भी पुलिस वाले मिलते हैं वो जरूर बोलते हैं भैया मास्क लगाइए। तो आप देख सकते हैं जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो भी टेंशन फ्री आ सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। तो अंकल जैसे आप इतनी दूर से आए, तो आपने स्नान कर लिया अभी? स्नान हो गया, सभी विद फैमिली और मेरे साथ में 4 फ्रेंड आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों ने स्नान किया है, तो कैसा रहा आपका स्नान का एक्सपीरियंस? नहीं बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सुविधाएं बढ़िया हैं। और यहाँ पर वॉलंटियर लगे हुए हैं, घाट पर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अंकल आपने बहुत अच्छा बताया, और आपका तिलक जो शर्ट से मैच कर रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और कांवड़ यात्री आप देख सकते हैं हरिद्वार में। तो क्या नाम है अंकल? ओम प्रकाश नाम है मेरा, गांव सागवान है, तहसील तोसाम है, जिला भिवानी है, हरियाणा में। हरियाणा में, तो अंकल हरियाणा से आए हैं। तो अभी आपकी कौन सी यात्रा? ये 63वीं यात्रा, जल अभिषेक 63वां है। 63वां जल ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं। और बहुत बढ़िया अंकल ने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिया, 63वीं यात्रा है। एज क्या है अंकल आपकी? 62 साल है मेरी। 62 साल, तो 62 साल आपकी एज है और कांवड़ इन्होंने यात्रा कर लिया 63। लगती लगातार साल में 2 बार आती है, लेकिन पिछली बार कोरोना के कारण 1 बार नहीं आई, नहीं आ पाए। इस वजह से इस बार 63वीं हुई है। 63वीं, इस वजह से इस शिवरात्रि पर ज्यादा, शिवरात्रि 11 तारीख को 11/3 को तो गांव सागवान में ये कावड़ चढ़ेगी जाएगी। तो अंकल यहां से अपने गांव में लेके जाने वाले हैं, तो कितनी दूर पड़ता है? 300 किलोमीटर पड़ता है। तो आप पैदल जाएंगे? पैदल यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी 350 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं 325 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रियों के अंदर और अंकल जी के अंदर कितनी आस्था है, कितनी एनर्जी है, यहाँ से पैदल जाने वाले हैं। तो एक बार अंकल जयकारा लगा दें। बोल शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की जय हो, बोल गौ मुख धाम की जय हो, बोल सागवान धाम की जय हो।
तो कुछ और श्रद्धालु जुड़ गए, कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से भैया। यार हरियाणा वाला जोश तो लग नहीं रहा, कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से आए भाई साहब, हरियाणा से। तो आप लगाना जोश, तो आपने स्नान कर लिया अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्नान कर लिया। तो कैसा रहा आपका स्नान का एक्सपीरियंस? स्नान करके हमें बहुत अच्छा लगा और गंगा जी की आरती देखी सुबह 5 बजे हम, और लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और कुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत लोग जगह जगह से आए हुए, अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी थकावट उतर गई है। थकावट उतर गई, मतलब अभी आप कब पहुँचे हरिद्वार? हम सुबह पहुँचे थे, 3 बजे करीब पहुँचे थे। पहुँचे अब जो स्नान करके आपकी थकावट उतर गई है। हाँ जी। तो हर की पौड़ी पर हरिद्वार में अब तक आप थोड़ा बहुत घूम लिए हैं, तो कैसा, मतलब कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी आपका? हमें सबसे अच्छी लगी गंगा जी की आरती और स्नान करना। स्नान करना, हाँ जी। तो बहुत अच्छा। तो अगर जो लोग हरियाणा से देख रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको ये कहना चाहेंगे आप भी यहाँ आए और महाकुंभ में आके नहाए, ये बहुत अच्छा प्रतीक होता है, नहाना चाहिए और अपनी थकावट उतारें। घर में बैठ के क्या करेंगे। तो अभी जो लोग यहाँ पर स्नान करके आ चुके हैं उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो अभी यहाँ पर एक अंकल हमारे साथ है, क्या नाम है अंकल आपका? दिनेश शाह। दिनेश साहब का, तो कहाँ से आए अंकल आप? मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं, गुजरात से आई थिंक बहुत सारे पीपल यहाँ पर आते हैं गुजरात में। श्रद्धा भाव थोड़ा ज्यादा है कुंभ को लेकर, हरिद्वार को लेकर। तो सब करते ही है कि भाई चलो ये 12 साल में एक बार अपने ये कुंभ का स्नान करना चाहिए। तो अंकल अभी आपने स्नान कर लिया जैसा आपको दिख रहा है, तो कैसा रहा आपका स्नान का? पानी स्नान करने में बहुत मजा आया, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। ठंडा है। तो एज कम्पेयर टू गुजरात, गुजरात का वेदर ज्यादा ठंडा है या यहाँ का? नहीं, यहाँ का बहुत ठंडा है। और कल बारिश होने से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। ज्यादा ठंडा हो गया। तो अभी आप क्या दोबारा करने वाले हैं स्नान? बस हमारा चार धाम का चारों हो गया है, चारों कुंभ हो गया है। चारों कुंभ हो गया अंकल, एक ही बारे में तृप्त हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो अंकल आप गुजरात से इतनी दूर से आए, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं गुजरात में या अलग अलग शहरों में पूरे इंडिया के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और यूपी हरिद्वार में तो बिल्कुल कोरोना जैसा कुछ लगता ही नहीं है, और आप आराम से आके स्नान कर सकते हो। कुंभ का स्नान एक बार जरूर करना चाहिए। अंकल कह रहे हैं तो पूरे गुजरात को मैं कहना चाहूंगा आप करें, जरूर करें, एक बार जरूर स्नान करें, एक बार जरूर आए। तो हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ेंगे। अंकल आपकी मॉस्टेज और कुर्ता तो एकदम सुपर्ब लग रहा है, तो क्या नाम है अंकल आपका? डॉक्टर दीपक चौबे। तो कहाँ से आए अंकल आप? मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आया, तो मतलब नेबरिंग स्टेट ही है उत्तराखंड का। तो अभी आपने स्नान कर लिया है? जी अभी जस्ट अभी किया है गंगा जी में, जस्ट अभी किया है। हाँ। तो कैसा रहा आपका स्नान का एक्सपीरियंस? बहुत अभूतपूर्व, बहुत अभूतपूर्व। जब माँ गंगे के चरणों में अपने उनके जब उसमें नदी उसमें गंगा माँ के दरबार में जब अंदर पहुंचा, तो निश्चित तौर पर बहुत अभूतपूर्व अनुभूति का अनुभव हुआ है और बहुत शानदार। और आज तो माँ का मेला है, तो माँ के मेले में एक अलग तरह का, और जो श्रद्धालुओं की भीड़ है अप्रतिम। माँ के स्नान करने से ही पूरे पुण्यों का निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि मतलब जितने पाप होते हैं उनका पूरी तरह धुल जाते हैं, हमें आज महसूस हो रहा है कि नहीं पूरे पुण्य भी जो पूरे रहते हैं वो भी उभर के आ जाते हैं। तो एकदम शुद्ध हो गया है शरीर अंकल का कहना है। तो जैसे आपने माघ के मेले के बारे में बताया, तो माघ का मेला क्या है और जो माघ का आज का स्नान है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। माघ के मेला का मेन चीज़ तो ये जो कुंभ के जो पर्व रहता है, कुंभ के पर्व में जो महापर्व रहते हैं उसमें माघ का पर्व भी है, और इस पर्व का एक अलग ही एक जो अपने जो सारे स्नान रहते हैं उसी के स्नानों में उसको 3 बजे से 4 बजे से उपलब्ध और पूरी तरीके से जो है कि इसमें इस स्नान में गंगा मैया के कहीं पे भी चाहे हरिद्वार में चाहे प्रयाग में कहीं पे भी संगम पे भी स्नान करें तो उसका रैपिड टेस्ट यहाँ पर हुआ है, कैंप लगा हुआ है हर गेट पे, हर की पौड़ी के आसपास जितने भी गेट हैं हर तरफ कोई ना कोई कैंप लगा हुआ है। तो वहाँ पर यात्री को रोका जा रहा है और वहाँ पर आपका टेस्ट किया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आपका टेस्ट हो रहा है। फिर टेस्ट करने के बाद आपको एक पर्ची दी जा रही है जो आपको आगे दिखानी है। अगर आगे आपको किसी और काउंटर पर रोका जाता है तो आप वो पर्ची दिखा दें कि हाँ आपका टेस्ट हो चुका है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि कुंभ स्नान में
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रैपिड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो लोग घर से ही अपने स्टेट से होम टाउन से करा के आ रहे हैं RT-PCR टेस्ट, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि वो उनका टाइम बच जा रहा है और यहाँ पर वो बिना लाइन में लगे सीधा एंट्री मिल रही है उनको हरकी पौड़ी पर। तो यही था आज का व्लॉग कुंभ मेले का 14 स्नान। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो पिछले 3 जो स्नान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है इस 4th स्नान में, और अगला जो 5वां स्नान होने वाला है शिवरात्रि का उसमें इससे भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, उसको वो भी हम कवर करेंगे अपने चैनल पे। तो इस वीडियो के लिए यार आप लाइक दबा दीजिए, और अगर आपको ऐसी हरिद्वार कुंभ मेले से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मैं हर्षित आपको मिलता हूँ किसी अपने अगले वीडियो में, अगली व्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगे। We'll be right back.